हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है स्किन फॉर डेथ सेंटेंस। ये मूवी हाल ही में 2023 में रिलीज़ हुई है और ये मूवी बाकी सब मूवी से बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस मूवी में हम चुड़ैल से लेकर माफिया तक को देखेंगे और हम इस मूवी में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे माफिया अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी दिखाया गया है कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी की लाइफ को ख़त्म कर सकती है। और अगर आप वीडियो के खत्म होने के बाद में इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर सभी एक्सप्लेन की गई मूवीज को जरूर डालता हूँ। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है जिमी नाम के एक लड़के से जिसको बहुत ही मारा पीटा गया था और उसके सर पर एक कपड़ा डालकर जोडियक नाम का एक आदमी उसे कहीं पर ले जा रहा था। अब एक सुनसान जगह पर आने के बाद में लड़के को एक जगह की मिट्टी खोदने के लिए लगा देता है। जोडियक के हाथों में गन भी थी तो इसलिए जिमी को उसकी सारी बातें मानना पड़ रही थी। फिर कुछ देर तक मिट्टी को खोदने के बाद जिमी को किसी का हाथ नजर आता है और वो हाथ अभी भी हिल रहा था। उस हाथ को नोटिस करते ही जोडियक जिमी को गोली मार देता है, लेकिन लकीली जिमी को कुछ भी नहीं होता है। जोडियक फिर से कई बार जिमी पर गोलियां चलाता है, लेकिन फिर भी जिमी जिंदा ही था और जिमी भी इसे देखकर शॉक्ड था। जोडियक जब जिमी के पास आता है तो मौका देखकर जिमी उसकी गन छीनकर उसे शूट करके उसे ही जान से मार देता है। फिर अब जोडियक के मरने के बाद में जिमी मिट्टी को खोदकर उस हाथ वाली लड़की को बाहर निकाल लेता है और अब देखते हैं कि जो इतने समय से मिट्टी में दफन थी वो लड़की भी जिंदा थी। फिर उसके बाद दोनों जोडियक के कार में बैठ जाते हैं और जिमी और वो लड़की एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर वो लड़की जिमी को अपना नाम जोफिया बताती है। जिमी इस बात से हैरान था कि इतनी सारी गोली लगने के बाद भी वो कैसे नहीं मरा। जोफिया जिमी के इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है और कार को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन कार के स्टार्ट होते ही कार ब्लास्ट हो जाती है। अब हैरानी की बात तो ये थी कि इतने खतरनाक कार के ब्लास्ट होने के बाद भी जोफिया और जिमी की मौत नहीं हुई थी। दोनों के सारे कपड़े तक आग में जल चुके थे और तब जाकर जिमी को समझ आता है कि जब भी वो जोफिया को टच करता है वो मौत से जिंदा बच जाता है। तो इसीलिए जिमी खुद के हाथ को जोफिया के हाथ पर हैंडकफ से बांध लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोफिया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जोफिया खुद भी नहीं मरती थी और ना ही कोई उसे टच करने वाला इंसान मरता था। अब सीन कट होता है और कहानी 3 दिन पहले पास्ट के टाइम से शुरू होती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि जिमी इस सिचुएशन में कैसे फंसा था। 3 दिन पहले जिमी अपने दोस्त गैरी के साथ में एक माफिया के ड्रग से भरे हुए ट्रक को डिलीवर करने वाला था। दोनों उस डिलीवरी से मिलने वाले पैसे को 50-50% हिस्से में बांटने वाले थे। वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। गैरी अब ट्रक से उतरकर कुछ आदमियों से बातें करने जाता है और जिमी का ध्यान हटते ही गैरी वहां से गायब हो चुका था। और तब जिमी के पास में जोडियक आता है जो कि ट्रक उससे ले जाता है, लेकिन वो उसे पैसे भी नहीं देके जाता है। तभी जिमी को जोडियक के आदमी किडनैप कर लेते हैं और अगेन सीन कट होता है, वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जिमी अपने बॉस के एक आदमी को कॉल करके उनसे पूछता है कि ट्रक के पैसे मिले या नहीं मिले। वो आदमी जिमी को उनके बॉस से मिलने के लिए बुलाता है और तब जिमी कुछ देर बाद उनसे मिलने के लिए कहता है। अब जिमी अपने पिता रिक से मिलने के लिए जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार थे। अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए जिमी ये ड्रग सप्लाई का काम किया करता था और जिमी को खुद भी ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने पिता से कुछ देर बातें करने के बाद जिमी वहां से चला जाता है। अब जब वो दोनों जिमी के बॉस के पास जा रहे थे तो जोडियक का एक आदमी जोफिया और जिमी को अपनी कार से कुचल देता है। फिर भी जोफिया और जिमी को कुछ भी नहीं होता है और खुद को इतने खतरनाक एक्सीडेंट में जिंदा देखने के बाद में जिमी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। जोडियक का आदमी भी दोनों को जिंदा देखकर शॉक में था। तब जिमी के बॉस फोल्को का एक आदमी जिसका नाम सूट था वो अपनी कार से कुचलकर मार डालता है। अब सूट जिमी को उसके बॉस के पास ले जाने आया था तो इसलिए जिमी और जोफिया सूट की कार में बैठ जाते हैं। इधर जिमी का बॉस फोल्को एक दूसरे आदमी के साथ में अपने ड्रग के बिजनेस के रूल के बारे में बातें कर रहा था। उस आदमी ने फोल्को के साथ में बिजनेस में धोखा किया था। पहले तो फोल्को उस आदमी को खाना खिला रहा था, लेकिन बाद में फोल्को एक तलवार से उस आदमी का सर काट देता है और उसी टाइम जिमी और जोफिया वहां पर आ जाते हैं जो कि इस मर्डर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। फोल्को उन दोनों को बैठाकर खाना खिलाता है। फिर वो जिमी से अपने ड्रग ट्रक के बारे में पूछता है क्योंकि उस ड्रग ट्रक का पेमेंट अभी तक फोल्को को नहीं मिला था और जिमी ने किसी और को वो ट्रक दे दिया था। जिमी फोल्को को बताता है कि वो 3 दिनों से कहीं पर फंसा हुआ था और कुछ लोग उसे मारने वाले थे। फोल्को जिमी की बातों पर यकीन नहीं करता है और एक दिन के अंदर उसका ट्रक के पेमेंट को लाने को कहता है। साथ ही में फोल्को जिमी से अपने एक और ट्रक को दूर ले जाकर जलाने को कहता है। फोल्को के पास में जाया नाम की एक लड़की थी जो कि हर टाइम फोटोज क्लिक करती थी और यहाँ पर जाया सोफिया का नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन जोफिया तो कभी भी जाया से नहीं मिलती, जो बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। उसके बाद जिमी और जोफिया
फाल्को के उसी ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फाल्को के दो आदमी कार से उनका पीछा भी कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में जिमी फाल्को के आदमी से पीछा छुड़ाकर ट्रक को दूसरी तरफ ले जाता है और उस ट्रक को एक पार्किंग लॉट पर छुपा देता है। अब फाल्को का आदमी जिमी को ढूंढते हुए उस रोड से दूर चले जाता है। तब जाकर जिमी और ज़ोफिया उस ट्रक से बाहर निकलते हैं और ट्रक को खोलते हैं। ट्रक के अंदर बहुत सारी लड़कियां थी और उनमें से जून नाम की एक लड़की ट्रक का दरवाजा खोलती है और वहां से भाग जाती है। उस ट्रक में जिमी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डायना भी दिखाई देती है और अगेन सीन कट होता है और कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है, जहां पर जिमी और डायना एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। डायना वहां पर अपने आर्ट स्कूल से मिले ऑफर के बारे में बताती है, जहां पर कॉलेज के लोग उसे बर्लिन लेकर जाएंगे। यहां पर दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है और दोनों शायद ब्रेकअप भी कर लेते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में उन लड़कियों को देखकर ज़ोफिया ट्रक का डोर लॉक कर लेती है और यहाँ पर उन लड़कियों को और डायना को यही लग रहा था कि जिमी ने उनको किडनैप किया है, लेकिन जिमी उन्हें समझाता है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है। जिमी उनको चिल्लाने से मना करता है क्योंकि फाल्को के आदमी रोड के आसपास ही हो सकते थे। और उसके बाद में जिमी ट्रक के डोर को खोलता है। अब फाल्को के आदमी के वहां से दूर जाने तक वे लोग वहीं पर छुपे रहते हैं। फिर अब जिमी उन सभी लड़कियों को सेफली हॉस्पिटल ले जाने की बातें करता है, लेकिन यहाँ पर सारा नाम की एक लड़की जिमी पर भरोसा नहीं करती है और खुद ही वहाँ से निकलने का फैसला करती है। सारा को कुछ लड़कियाँ फॉलो करती है और बाकी की लड़कियाँ जिमी के साथ में रहती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उन लड़कियों को किसी न किसी तरीके से किडनैप किया गया था, किसी लड़की को टिंडर के जरिए तो किसी लड़की को जॉब ऑफर देने के जरिए और डायना को आर्ट स्कूल के जरिए। सभी लड़कियाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस चुकी थी और सभी लड़कियों के पेट में उन लोगों ने कुछ फिट भी कर रखा था, जिस वजह से कुछ लड़कियों की हेल्थ खराब भी हो रही थी। ज़ोफिया इन सभी झमेले में फंसने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन जिमी के समझाने पर वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर जून भागते भागते एक घर के सामने आ गई थी और गेट के सामने लगे कैमरा में जून ये कहती है कि उसके पेट के अंदर जो भी चीज़ उन लोगों ने डाली है वो बहुत ही ज़्यादा जल रही है और अगर उस चीज़ को वे लोग निकाल देंगे तो बाकी लड़के कहाँ पर है वो उनको इस बारे में बता देगी। इसे सुनकर कुछ लोग घर का गेट खोल देते हैं और जून उस घर के अंदर जाती है। दूसरी तरफ फाल्को के आदमी उस पार्किंग लॉट तक आ गए थे, तो इसलिए जिमी और ज़ोफिया बाकी लड़कियों के साथ में ट्रक के अंदर बैठ जाती है और डायना ट्रक को ड्राइव करके वहां से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। जिमी के कहने पर सभी लड़कियां ज़ोफिया को टच करती है ताकि कोई भी मारा ना जाए। फाल्को के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे और आधे रास्ते में हम देखते हैं कि एक कार फाल्को के आदमी के पीछे पड़ी थी। अब रास्ते में एक कार रोड में फंस जाती है और डायना उन लोगों से पीछा छुड़ाकर हॉस्पिटल तक आ गई थी। डायना ट्रक का डोर खुलती है और सभी लड़कियां ज़ोफिया की बॉडी से अपना हाथ हटाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उनके अंदर से उस चीज को निकालकर वे लोग जिंदा बच जाएगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून के पास में कोवक नाम की एक लड़की आती है जो कि उससे उन लड़कियों का पूछती है। जून उन लड़कियों का लोकेशन बताकर कोवक को उसके अंदर से उस चीज को निकाल देने को कहती है, लेकिन यहाँ पर कोवक जून को एक रिमोट देकर उसका स्विच ऑन करने को कहती है। जैसे ही जून रिमोट का स्विच ऑन करती है तो हॉस्पिटल के अंदर जा रही एक लड़की की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जिमी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना की भी बॉडी उसी के ही सामने ब्लास्ट हो जाती है। सारा के साथ में जो लड़की अलग भागी थी वो सभी भी ब्लास्ट हो गई थी और जून भी कोवक के सामने ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर हम पहली बार कोवक को देखते हैं जो कि कोई अडल्ट नहीं बल्कि एक बच्ची थी, लेकिन वो इस पूरे रैकेट की बॉस थी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग चला रही थी। दूसरी तरफ जिमी और ज़ोफिया को कोवक के ही कुछ लोग पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं और कोवक का पूरा गैंग ही लड़कियों का था। जिमी एक भी लड़के की हेल्प नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। अब वे लोग कोवक के घर के सामने आते हैं। कोवक के लोग जिमी और ज़ोफिया को अलग अलग जगह पर लॉक कर देते हैं। जिमी को यहाँ पर उसका दोस्त गैरी भी दिखाई देता है जो कि उसी के सेल में कैद था। गैरी को उस दिन कोवक के लोगों ने ही कैद किया था। जिमी गैरी को अपने साथ हुई सारी बातें बताता है और ज़ोफिया की शक्तियों के बारे में भी उसे बता देता है, लेकिन गैरी को जिमी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तब जिमी उसे फाल्को के पैसे के बारे में पूछता है, लेकिन गैरी को भी पैसों के बारे में कुछ पता नहीं था और जिमी इस बारे में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर उसने फाल्को को पैसे नहीं दिए तो वे उसे और उसके फादर को मार डालेंगे और जिमी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उनके पास में कोवक आती है और पास के रूम से कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें भी उनको सुनाई दे रही थी। यहाँ पर कोवक गैरी से जिमी को मारने को कहती है क्योंकि जिमी कोवक की लड़कियों को लेकर भागा था। अगर गैरी जिमी को मार देगा तो कोवक गैरी को छोड़ देने का प्रॉमिस करती है
जोफिया जिमी के पास नहीं थी तो इसलिए जिमी को गैरी की मार से चोट लग रही थी। जिमी को तकलीफ में देखकर कोवक को मजा आ रहा था और जिमी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ पर जिमी देखता है कि जोफिया कोवक के पास में कैद कुछ लड़कियों को अपने साथ में लेकर वहां से भाग रही थी और उसको भागता हुआ देखकर जोफिया भी बहुत ही गुस्सा होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोफिया कैसे कोवक के पास में लड़कियों को लेकर भागी थी। कोवक के लोग जोफिया को उन लड़कियों के सेल में बंद कर देते हैं और उनके पास में एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर भी कोवक का गुलाम था और उसके पैरों को कोवक ने चेन से बांध कर रखा हुआ था। कोवक के लोग एक लड़की को डॉक्टर के पास में ले जाते हैं और वो डॉक्टर एक लेजर से उस लड़की के फेस पर एक मार्क बना देता है। फिर उसके बाद उस लड़की के स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया जाता है और उस लड़की का पेट काटकर उसके अंदर भी बॉम्ब फिट करके उसके पेट को फिर से सील देते हैं। फिर अब जोफिया खुद डॉक्टर के पास जाकर उसके अंदर बॉम्ब फिट करने को कहती है। जब वो डॉक्टर जोफिया को इंजेक्शन लगाने वाला था तो इंजेक्शन ही टेढ़ा हो जाता है और इसे देखकर डॉक्टर शॉक्ड में था। मौका मिलते ही जोफिया कोवक के लोगों पर अटैक करके उनको जान से मार डालती है। डॉक्टर ने जोफिया पर गोली भी चलाई थी लेकिन जोफिया को उन गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोफिया एक सर्जिकल नाइफ लेती है और उससे डॉक्टर का गला काटकर उसे मार डालती है। इस तरफ जोफिया उन लड़कियों को लेकर वहां से भाग रही थी और दूसरी तरफ हम जाया को देखते हैं जो कि लिन नाम की एक ओल्ड लेडी की फोटो खींच रही थी और लिन यहां पर जोफिया की ड्राइंग बना रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब अगले दिन जोफिया जाया से एक शिप पर मिलती है और उसे पूछती है कि वो उसे कैसे पहचानती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जाया मेंटली एबनॉर्मल थी। जाया जोफिया से दूर भागने लगती है और जोफिया उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर के बाद में जोफिया जाया को पकड़ लेती है और दोनों फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। जाया ने जोफिया का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर से गिरने पर भी जाया को कुछ नहीं होता है। जोफिया उसका कैमरा छीन लेती है और उसकी पिक्चर को देखने लगती है जहाँ पर उसे लिन के फोटो देखते हैं जो कि उसकी ड्राइंग बना रही थी। जाया फिर जोफिया को बता देती है कि जिमी कहाँ पर हो सकता है और तब जोफिया जिमी को बचाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर मरा नहीं था बल्कि उसने अपने गले को सिलकर खुद को बचा लिया था। कोवक डॉक्टर के पास आती है और लड़कियाँ कैसे वहाँ से भागी थी इस बारे में उससे पूछती है। डॉक्टर कोवक को जोफिया के बारे में इशारे में बताता है क्योंकि गला कट जाने की वजह से डॉक्टर बातें नहीं कर पा रहा था। हम अब जिमी को देखते हैं जिसे कोवक ने एक नदी के ऊपर से एक पेड़ से उल्टा लटका कर रखा हुआ था। नदी का पानी कुछ ही देर में बढ़ जाएगा जिसमें जिमी का सर डूब जाएगा और मारा जाएगा। अब नदी का पानी बढ़ने लगा था और जिमी डूबने लगता है। कोवक दूर से जिमी को मरता हुआ देखकर उसका मजा ले रही थी और कुछ टाइम के बाद में कोवक वहां से चली जाती है। कोवक के जाने के बाद में जोफिया पानी के अंदर जाती है और जिमी की बॉडी को टच करती है जिससे नदी का पानी कम हो जाता है और जिमी जिंदा बच जाता है। दोनों उस नदी से निकलकर किनारे पर बैठ जाते हैं और अब जिमी इन सब इंसिडेंट से थक चुका था। उसके पिताजी की जान खतरे में थी और डायना भी मर चुकी थी तो इसीलिए वो जोफिया को उसकी असलियत बताने को कहती है। यहाँ पर जोफिया की बातों से हमें पता चलता है कि लिन जो उसकी ड्राइंग बना रही थी वो एक चुड़ैल है जिसने उसे अमर होने का श्राप दिया था। उसके बाद में जोफिया की उम्र वहीं पर रुक गई। आज जोफिया की उम्र 90 ईयर्स है और आज तक ना उसकी एज बढ़ी है और ना ही उसकी मौत हुई थी। कुछ लोगों को जोफिया की पावर के बारे में पता चला और वो जिंदा रहने के लिए उसका यूज करने लगे थे और इसीलिए जोफिया भी इस लंबी लाइफ से थक चुकी थी और वो भी अब मरना चाहती थी। उसके मुताबिक इस कर्ज को ख़त्म करने का एक स्पेल है जो स्पेल सिर्फ लिन को पता है और उस स्पेल को बोलते ही ये कर्ज किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो जोफिया की जगह अमर हो जाएगा और तब जोफिया को इस लाइफ से मुक्ति मिल जाएगी। जिमी जोफिया की मदद करने का प्रॉमिस करता है लेकिन उसके लिए जोफिया को अपना कर्ज उसके फादर रिक को देना होगा ताकि रिक की बीमारी ठीक हो जाए और वो जिंदा बच जाए। जोफिया भी इसके लिए मान जाती है। अब फोटो को ठीक से देखने पर उनको पता चलता है कि लिन उसी हॉस्पिटल में है जहाँ पर जिमी के फादर रिक एडमिट थे। दोनों फिर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर लिन के रूम का पता लगाते हैं। अब रात को हम फैल्को और कोवक को देखते हैं जो कि दोनों यहाँ पर जिमी को मारने आए थे। जिमी और जोफिया दो बार कोवक की लड़कियाँ लेकर भागे थे और जिमी ने फैल्को के ड्रग के डील को भी खराब किया था। गैरी भी अब कोवक के कब्जे में था और फिर हम जिमी और जोफिया को देखते हैं जो कि लिन से मिलते हैं। लिन बहुत ही बीमार थी और कुछ ही टाइम में मरने भी वाली थी। जोफिया को लिन के पास छोड़कर जिमी अपने फादर को देखने जाता है और रिक को अपने साथ में लेकर जिमी लिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें अपना स्पेल बताए। अब उस टाइम उनके फादर के रूम की तरफ बाहर से फैल्को और कोवक
और उनका गैंग गोलियां चलाने लगता है। फेल्को के कुछ लोग हॉस्पिटल के अंदर उनको पकड़ने के लिए आ गए थे, लेकिन सही टाइम पर रिक की नर्स एमा फेल्को के लोगों को मार डालती है। यहाँ पर लिन मरने से पहले जोफिया को स्पेल बता देती है और उसके बाद में रिक, जोफिया, जिमी और एमा हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। एमा सबसे आगे रहकर फेल्को और कोवक के लोगों को मार रही थी और बाहर आते ही फेल्को और कोवक का पूरा गैंग उन पर गोली चलाने लगता है। एमा रिक को लेकर एक जगह पर छुप जाती है और गैंग की गोलियों से जोफिया और जिमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसे देखकर रिक भी शॉक्ड हो गया था। रिक एमा की गन लेकर बाहर आता है और तब कोई भी उस पर गोली नहीं चलाता है और फेल्को यहाँ पर रिक को अपना बॉस बुलाता है, लेकिन रिक यहाँ पर फेल्को और कोवक को गोली मारकर उनकी जान ले लेता है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमें मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। हमें पता चलता है कि रिक यहाँ पर माफिया था जो कि फेल्को का भी बॉस था। रिक ने फेल्को के साथ में मिलकर जिमी को इन सब काम में फंसाया था ताकि वो जोफिया से मिले और उससे दोस्ती करके उस स्पेल का पता लगा सके। उस स्पेल की वजह से जोफिया का वो कर्ज रिक तक पास ऑन हो जाए जिससे कि वो अमर हो जाएगा और सालों तक अपना बिजनेस चला पाएगा। इस बात से जिमी अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा नाराज था। रिक के प्लान की वजह से जिमी की जान खतरे में थी और डायना भी मारी गई थी और साथ ही साथ बाकी लड़कियां भी मर गई थी। रिक को फिक्र थी तो सिर्फ अपने अमर होने की, और जोफिया को भी रिक के आदमियों ने ही दफनाया था क्योंकि उसने रिक के आदमियों को स्पेल नहीं बताया था। यहाँ पर जिमी जोफिया से कहता है कि वो रिक को अपना स्पेल नहीं बताए और रिक ने जो कुछ भी गलतियाँ की थी उसके लिए जिमी रिक को मरने के लिए छोड़कर जोफिया को अपने साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है। रिक जिमी पर गोलियाँ चलाता है लेकिन जोफिया ने जिमी का हाथ पकड़ा हुआ था तो उससे जिमी नहीं मरता है। अब अगले दिन हम जाया को देखते हैं जो कि फेल्को की डेड बॉडी की फोटो ले रही थी और वहीं पर कोवक की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। जाया जब उसे हाथ लगाती है तो कोवक उसे गाली देने लगती है। गोली लगने की वजह से कोवक मरी नहीं थी, बस उसका आधा फेस खराब हो चुका था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। इस मूवी में हमने दो माफिया गैंग को देखा। रिक का गैंग ड्रग को सप्लाई करता था और कोवक की गैंग लड़कियों और ह्यूमन की ट्रैफिकिंग किया करती थी। लिन ने सालों पहले जोफिया को एक कर्ज दिया था जिस वजह से जोफिया अमर हो गई थी। जोफिया के साथ में जो कोई भी रहता था उसकी भी बहुत नहीं होती थी, तो इसीलिए जिमी जोफिया के साथ में रहकर हमेशा जिंदा बच जाता है। उस कर्ज को सिर्फ एक स्पेल से किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता था। जोफिया इतने सालों तक अमर होकर थक चुकी थी तो इसलिए वो भी इस कर्ज को किसी और को ट्रांसफर करना चाहती थी। स्पेल का पता चलते ही जिमी और जोफिया कर्ज को रिक को ट्रांसफर करना चाहते थे ताकि रिक बीमारी से जिंदा बच जाए, लेकिन पूरी मूवी में रिक ही गेम को खेल रहा था। जोफिया का कर्ज खुद पर लेने के लिए रिक ने अपने आदमियों से जोफिया को दफनाया और उसके बाद में अपने बेटे को ड्रग के बिजनेस में फंसा कर जोडियक के जरिए जोफिया से मिलवा दिया। रिक ने जैसा सोचा था उसी तरह जोफिया और जिमी की दोस्ती हुई और जोफिया कर्ज को रिक को ट्रांसफर करने के लिए मान गई। लेकिन अपने फादर की असलियत का पता चलते ही जिमी ने जोफिया को कर्ज रिक को ट्रांसफर नहीं होने दिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि कोवक इतनी छोटी बच्ची होकर भी कैसे इतने बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर को कर रही थी। तो हमें पता चलता है कि कोवक जब छोटी बच्ची थी तभी जोफिया जैसा उसको भी अमर होने का एक कर्ज मिला था, वो भी लिन जैसी किसी और चुड़ैल से, तो इसीलिए उसकी भी एज नहीं बढ़ रही थी। वो छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी लेकिन उसका दिमाग एक एडल्ट का हो गया था, तो इसीलिए गोली लगने से सभी लोग मारे गए थे लेकिन कोवक नहीं मारी गई थी, बस उसका फेस खराब हो चुका था। उन विच ने जोफिया और कोवक को इसलिए कर्ज दिया था ताकि वो विच अपना अमर होने का कर्ज इन दोनों को ट्रांसफर कर पाए। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको स्किलफुल डेथ सेंटेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए और भी वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ।